बढ़ते आगे स्टील इंडस्ट्री की खातिर भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सरकार ने अब स्टील इंडस्ट्री के प्लेयर्स को प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में बांटना बंद कर दिया है। अब सबको एक ही श्रेणी में रखा जाएगा। इस बदलाव को लेकर क्या सोचती है स्टील इंडस्ट्री, इसको लेकर टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्रन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने। जो हो रहा है, आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट सेटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आई थिंक इट्स 110 मिलियन टन इंडस्ट्री एंड टू बी फेयर टू द कंज्यूमर्स ऑफ स्टील, आई थिंक देर हैज़ टू बी सम मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आई थिंक द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन दो स्टैंडर्ड्स, विच इज़ आई थिंक बाकी देश में भी होता है। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग टू हैपन बिकॉज दिस इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री मेकिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द एप्लीकेशन इट इज़ यूज इन। तो आई थिंक वी आर सपोर्टिव ऑफ एनी मूव विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टील इन इंडिया एंड द क्वालिटी ऑफ स्टील कंजम्पशन इन इंडिया। सर, अभी आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ पे स्टैंड करता है और प्रोडक्शन एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं आपके? अभी हम लोग का जो जमशेदपुर प्लांट है और कलिंगानगर प्लांट है वो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में है। भूषण स्टील का जो प्लांट हम लोग ने लिया अंगुल में, उसका कैपेसिटी है 5 मिलियन और 5.5 के बीच में है। उधर में हम लोग का प्रोडक्शन 4 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है। अभी इट वॉज जब हम लोग लिए थे इट वॉज अबाउट 3.5 मिलियन। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ भूषण स्टील प्लांट हम लोग बोले थे कि 2 साल के अंदर हम लोग 100% कैपेसिटी पे लेके आएंगे, वो ट्रैक में है। सर, Q4 एंड FY19 के आप क्या टारगेट्स हैं? FY19 मतलब ये साल FY19-20। Q4 अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सुधार हुआ है। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सॉफ्टनेस था इंटरनेशनल मार्केट्स में, दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी, पर सेकेंड हाफ में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी $40-50 से इट इज़ इंक्रीज्ड। एंड इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री अदर सेगमेंट्स डिमांड इज पिकिंग अप क्वाइट वेल। ऑटो इंडस्ट्री ऑल्सो वी थिंक विल बाउंस बैक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड नेक्स्ट ईयर में भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में डिमांड तो स्ट्रांग होगा क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट तो चलते रह रहा है, पर कंसर्न इज मोर ग्लोबली US में क्या होने वाला है क्योंकि उधर भी थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है कभी कभी, यूरोप में क्या होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना में क्या होने वाला है। तो इट इज़ मोर इंटरनेशनल इशू, डोमेस्टिक में वी आर क्वाइट पॉजिटिव। सर, अगर हम ग्लोबली बात करें तो रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नाफ्टा टर्म्स, एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका जितना स्टील कैनेडा से इम्पोर्ट कर रहा है मे बी उसको बिल्कुल या तो टैक्स फ्री कर देगा या कम टैक्सेस पे रखेगा। तो आप इसका ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं और खासकर इंडियन स्टील इंडस्ट्री पे? इंडियन स्टील ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है इंडिया से USA में। हम लोग कभी टाटा स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यूरोप से USA। US का जो ऑलमोस्ट 30 मिलियन टन का इम्पोर्ट्स जो चल रहा है उसमें सम ऑफ इट कम्स थ्रू कैनेडा एंड मेक्सिको, बट उसके अलावा लॉट ऑफ इट यूज टू गो फ्रॉम टर्की, फ्रॉम कोरिया, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम रशिया। सो इट डिपेंड्स, आई थिंक द एक्शंस दैट दे टेक ऑन यूरोप, टर्की, रशिया, कोरिया इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट दे डू विद कैनेडा एंड मेक्सिको।